मुझे क्षमा कर दीजिए वासुदेव, मैं आपके वास्तविक रूप से अनभिज्ञ था। आप अवश्य मेरा वध कर सकते हैं, किंतु आप मेरा वध करने हेतु अपने प्राण को त्यागने के लिए सज्ज हुए हैं। अवश्य ही मेरा कोई महान दोष होगा। क्या दोष है मेरा वासुदेव, बताइए। अज्ञान आपका दोष है महामहिम। आपने धर्म के वास्तविक रूप को जानने का तो कभी प्रयास ही नहीं किया। करुणा के छत्र तले जब तक समग्र संसार समा नहीं जाता, तब तक समाज में धर्म अधूरा रहता है। किंतु आपने केवल अपने परिवार का विचार किया, संसार के कल्याण का तो विचार ही नहीं किया आपने। इसलिए आपका त्याग भी स्वार्थ का ही रूप है। मैंने अपने पिता के सुख हेतु राज्य का त्याग किया, आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था वासुदेव। ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा और राज सिंहासन का त्याग अवश्य उत्तम कार्य थे, किंतु आपने समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का त्याग क्यों कर दिया महामहिम? वंश में आप भी संघर्ष न हो, हस्तिनापुर के राज सिंहासन के लिए युद्ध न हो और पूर्व राष्ट्र की प्रजा को अन्य या दुख न हो, इसीलिए मैंने ये प्रतिज्ञाएं की। वास्ते अपने चारों ओर दृष्टि डालिए महामहिम, क्या चल रहा है यहां? आपकी प्रतिज्ञा ने इस विग्रह को, इस युद्ध को टाला तो नहीं? विचार कीजिए महामहिम, आपने अपनी प्रतिज्ञा को धर्म माना। यदि वो वास्तव में धर्म होता तो ये महायुद्ध ही क्यों होता? वास्तव में धर्म किसी मृत विचार का नाम नहीं, ना ही किसी परंपरा का नाम है। धर्म तो जीवन का नाम है और जीवन निरंतर बदलता रहता है। परिवर्तन ही जीवन का गुण है और परिवर्तन हेतु मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। आपने कर्म का ही त्याग कर दिया महामहिम। किंतु मैंने तो जीवन के प्रत्येक पग पर उचित कर्म किए हैं। नहीं महामहिम, इस जन्म में आप कर्म के बंधन से ना बंधे, इस कारण आपने कोई वास्तविक कर्म किया ही नहीं। कर्म का अर्थ होता है निर्णय लेना और अपने निर्णय के परिणामों को स्वीकार करना। किंतु आपने कब कोई निर्णय लिया महामहिम? राज पांडु के राज्य अभिषेक का निर्णय क्या आपका निर्णय था? एक जन्म से नेत्रहीन व्यक्ति राजा बनने के योग्य नहीं होता। इसलिए मेरा मत है कि ज्येष्ठ भ्राता पांडु का राज्य अभिषेक होना चाहिए। राज और महारानी कांधारी के विवाह का निर्णय, अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त कुमार धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की कुमारी गांधारी के साथ संपन्न हो। महाराज धृतराष्ट्र को अधर्म से रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया आपने महामहिम? कुमार दुर्योधन पर वार करने वाले इन मत्स्यजनों का न्याय तो कीजिए। इन सबके सिर छेद कर दो, छेद कर दो। ये तो अत्याचार है। आदेश का पालन हो। सभा का निर्णय और उसमें पांचाली के अपमान को ना रोकने का निर्णय। आप कीर्ति पर समग्र आर्य बनते हैं, आप तो स्वयं माता गंगा के पुत्र हैं। अपने समग्र ऐसा व्यवहार में क्या मान किस प्रकार ले सकते हैं? इस युद्ध का निर्णय आर्यवर्त में धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए युद्ध अनिवार्य है। सभी अधर्मों को रोकने का आपके पास सामर्थ्य भी था और शक्ति भी,
किंतु आप निर्णय नहीं ले सके महामहिम। आप केवल अपनी प्रतिज्ञा और अपने प्रण से बंधे रहे। मैं दास बनकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। वास्तव में कर्तव्य के नाम पर निर्णय लेने के उत्तरदायित्व से आप भागते रहे। क्या निर्णय लेने से ही बंधन नहीं बनते वासुदेव? बंधन से छूटने के लिए निष्काम कर्म के सिद्धांत को समझते तो आपका जीवन धर्ममय हो जाता महामहिम। बंधन से छूटने के लिए आपने कर्म का त्याग क्यों किया? कर्म के फल का त्याग करते, किसी के आदेश को कर्तव्य मानने के स्थान पर अपने कर्म को कर्तव्य मानते तो भी बंधन से छूट जाते। बहुत समय पूर्व आपने प्रतिज्ञा ली, क्या उस समय आप सारा भविष्य जानते थे? परिस्थितियां बदल गई महामहिम, समय में परिवर्तन आ गया, किंतु आपने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी और ना ही किसी परिवर्तन को स्वीकार किया। उसी का परिणाम आज ये युद्ध हो रहा है। क्या प्रतिज्ञा का कोई मूल नहीं? अवश्य, जिस प्रतिज्ञा से सारे समाज को लाभ, उसका मूल्य अवश्य। जिस क्षण मनुष्य की प्रतिज्ञा, उसका निर्णय सारे समाज को हानि पहुंचाने लगे, उसी क्षण उस प्रतिज्ञा को तोड़ना अनिवार्य हो जाता है महामहिम।